वॉन्डरिंग ट्रेडर। मेरे ख्याल से ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मॉब है। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ये एक लौता मॉब है जो सडन से आपके पास आ जाता है। ये देखने में ऑलमोस्ट विलेजर जैसा लगता है, लेकिन किसी वजह से ये अपना फेस ढक के रखता है। ये वॉन्डरिंग ट्रेडर क्यों कहलाता है एंड इसका ओरिजिन क्या है, आज के माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 19 में हम और आप डिस्कवर करेंगे स्टोरी ऑफ वॉन्डरिंग ट्रेडर। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए, क्योंकि ये हमें हेल्प एंड मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कॉन्टेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वॉन्डरिंग ट्रेडर एक्चुअल में है कौन। ये तो साफ साफ पता चलता है कि ये एक विलेजर है जिसने अपना लुक थोड़ा चेंज कर लिया है, लेकिन इसका लुक चेंज करने का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि हम एज अ प्लेयर तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई विलेजर है जिसने दूसरे कपड़े पहन लिए हैं और ये अपने यूजलेस सामान जो माइनक्राफ्ट के नेचर में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं वो हमें बेचने आता है। बट आप ये सोचिए कि वॉर्निंग ट्रेडर कभी भी किसी विलेजर से ट्रेड करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि कोई भी विलेजर इनसे इनका यूजलेस सामान खरीदना ही नहीं चाहता है। है ना ये सोचने वाली बात? ये सिर्फ और सिर्फ हम यानी हमारे प्लेयर के पास खुद आते हैं और आसपास टहलते रहते हैं ताकि हम इनसे कुछ खरीद लें, क्योंकि विलेजर्स के अलावा पूरे गेम में हमारा प्लेयर ही है जो ट्रेडिंग करता है। एंड एक बात और ध्यान देने वाली होती है, वॉन्डरिंग ट्रेडर हमेशा चीज़ें हमको ही बेचता है एंड हमसे कभी कुछ खरीदता नहीं है। और जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ें तो यहाँ से शुरू होती है वॉन्डरिंग ट्रेडर की पूरी स्टोरी। वॉन्डरिंग ट्रेडर एक्चुअल में एक निटविट विलेजर था। जिनको नहीं पता कि निटविट विलेजर क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ। निटविट विलेजर्स वो विलेजर्स होते हैं जो कोई भी काम या प्रोफेशन अडेप्ट नहीं करते। इनके कपड़े ग्रीन कलर के होते हैं जिससे आप जान जाएंगे कि ये विलेजर निटविट है। और अगर आप ध्यान से वॉन्डरिंग ट्रेडर के अंदर के कपड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि निटविट की तरह ही ये अंदर ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं। और आप जितना चाहे कोशिश कर लें, ये किसी भी प्रोफेशन को अडेप्ट नहीं करते हैं। सीधी बात, ये एक यूजलेस विलेजर होते हैं। ये निटविट विलेजर एक विलेज में रहता था पीसफुली आराम से, बट ये कोई भी काम नहीं करता था क्योंकि इसे कोई काम आता ही नहीं था। और ये बस बाकी विलेजर्स की मेहनत पे पलने वाला एक विलेजर था। और सबको पता है कि अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो सीधी बात ताने सुनेंगे और आवारा कहलाएंगे। एंड यही सब उस निटविट विलेजर के साथ होने लगा। विलेजर्स उसे ताने मारने लगे कि वो कोई भी काम नहीं करता था, और इसी से परेशान होके उस निटविट ने वो विलेज छोड़ दिया। कोई काम ना आने की वजह से वो विलेज के बाहर इस हार्श वर्ल्ड में बहुत दिक्कतें झेल रहा था। तभी वो वन ऑफ द एग्जाइल्ड विलेजर क्लेरिक मतलब विच से मिला। जब उसने विच को बताया कि उसने वो विलेज छोड़ दिया है क्योंकि उसे कोई काम नहीं आता था, तब विच को अपना टाइम याद आ गया जब उसे एक गलत फहमी की वजह से अपना विलेज छोड़ना पड़ा था। तब विच ने दया करके उसको कपड़े और पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी दिया। विच ने उसको सजेशन दिया कि वो अपना खुद का कुछ काम शुरू करे, लेकिन कुछ काम ना आने की वजह से वो निटविट कंफ्यूज हो गया कि मुझको तो कोई काम आता ही नहीं है, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस हार्श वर्ल्ड में सरवाइव कर पाऊँ। तभी पहाड़ों पे टहलते हुए उसको लामास दिखे, जिनको इसने अपना सैडल पहनाया और उन्हें पाल लिया। एंड देन उसने सोचा कि मैं अब तो उस विलेज में वापस नहीं जा सकता और मुझे ऐसे ही हमेशा बाहर रहना है, तो उसने रैंडम सामान जो आपको इजीली नेचर में मिल जाएगा वो सब कलेक्ट करना शुरू कर दिया और हमको यानी हमारे प्लेयर को ढूंढा जिससे वो ये सब ट्रेड कर सके। और ऐसे ही वो निटविट एक वॉन्डरिंग ट्रेडर बन गया। गाइज, अगर आपको ऐसे ही बाकी माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब का लिंक मिल जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।